हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना गलशहीद इलाके में निजी हॉस्पिटल पर एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हंगामा तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के आरोप सुनकर हॉस्पिटल प्रशासन से पूछताछ की है। मृतक बच्चे के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और बच्चे की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन को ठहराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मुरादाबाद जनपद के थाना गलशहीद इलाके के राशिद हॉस्पिटल में एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल पर कार्यवाही की मांग को लेकर परिवार वालों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन दिलाकर शांत किया। परिवार वालों के हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप है। मुरादाबाद जनपद के राशिद हॉस्पिटल के डॉक्टर से जब बात की तो डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, परिजनों द्वारा आरोप जो लगाए गए हैं वह गलत है। बच्चे की मौत उपचार के दौरान हुई है, लेकिन परिवार द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत है। वही हॉस्पिटल में बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही गलशहीद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। परिवार वालों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस आरोपों की सच्चाई पुलिस ने जानने के लिए डॉक्टर से बात की है। वही हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर कार्यवाही का आश्वासन देकर पुलिस ने शांत करवाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना गलशहीद इलाके में निजी हॉस्पिटल पर एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हंगामा तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के आरोप सुनकर हॉस्पिटल प्रशासन से पूछताछ की है। मृतक बच्चे के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और बच्चे की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन को ठहराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नाम आपका? नाम बताओ। मेरा नाम है बब्बू नानी। कहाँ की रहने वाली? अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? क्या हुआ? ये हुआ, हमारा बच्चा, हमने यहाँ पे ऑपरेशन के लिए भर्ती करा था इनको। कौन सा हॉस्पिटल? 50,000। हम राशिद हॉस्पिटल, अमतुल स्कूल। फिर आगे इन्होंने, हमने बच्चों को दिखाया, बोला ठीक है, बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा, बच्चा सही हो जाएगा। तो पैसे पूछे हमसे, तो बोले कितने पैसे दें, तो बोला हमें 40,000 रुपये दे दें। हमने पहले 40,000 रुपये दिए, 800 रुपये इन्होंने उसी वक्त फीस के लिए, और फिर 4,000 रुपये बोले फाइल के लाभ वो दे दिए। लोगों सारी रसीदें मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर सुबह को, रात को 1500 की दवाई दी, फिर सुबह को इन्होंने 5,000 का फर्रा दे दिया बना के। अब दवाई पे दवाई ये लिख के दे रहे थे, अब परसों पता मरा बच्चा या कल मरा। कल ही मुझसे बोले बच्चे की हालत सीरियस है, रात के 11 बजे, और बोले इसे खून की ज़रूरत है। और 3 बार पहले दे चुके हैं खून इस बच्चे को, हम 4 जनों ने खून दिया इस बच्चे को, और खून की सारी रिपोर्टें मेरे पास नहीं है, साई हॉस्पिटल में भी देखा है। और कल आज फिर ये कह दिया, बोले कल बोले 1500 का जबकन है, ये ढूंढ के लाओ। मेरा बच्चा जना काका से ढूंढ के लाया हो जबकन, इन्होंने अपना एक आदमी भेजा, बोले ना हमारा आदमी जाएगा था साहब, जक्सन ने मिल दिया था। तो हमने की मैडम को बोली, मैंने कहा हमारे भैया के तुमने जक्सन लगा दिया? बोले ना अभी बर्फ़ में रख दिया हमने। तो मैंने कहा फिर सर लगेगा? बोला अभी सर लगाएंगे। अब वो दिलशाद जो बच्चों का इलाज कर रहा था उधर, मैंने उनसे कहा हमारे मुस्तफ़ा के उसमें बैठे थे ऑफिस में, मुस्तफ़ा के ऑफिस में, बोली हमारे बच्चे के कब को लगाओ जक्सन? बोले मैं लगा के यहीं को आ रही हूँ। मुझसे बोले मैडम ने यानी का मना कर दिया। मैं अपनी लड़की से बोली, इन्होंने हमारे लड़के का जक्सन नहीं लगाया। ये आज सुबह की घटना है? आज की बात है, ये तो बात कल की है। आज क्या मामला हुआ है? मरा हुआ बच्चा पड़ा था, अब मेरे की कल नहाने धोने चली गई, लड़की को यहाँ पे छोड़ दिया। मेरी आवाज आई, बोली बच्चा देखो। तो मैं बोली बच्चे का मुँह खुला हुआ, इस मारे का मुँह में उसकी नलका रही है, बच्चे का मुँह खुला हुआ यानी का दम निकला हुआ था बच्चे का। अब हमारी आवाज बोली हाथ पैर में चला गया, तो उसके बोले मशीनों में ऐसी रहता बच्चा, तो फिर भी बोली देख तो ले। आप लोगों को कब पता चला बच्चा मर गया? जब हमारी भावज ने देखा, बोले बच्चा चली दूर। आज पता चली हमको, तो और बच्चा का रात किस समय? टाइम बताओ। हमें अभी 12-2 बजे करिए, हमें बच्चा का पता चला, बच्चा खत्म हो गया। जब हमारे मोहल्ले का लड़का आया ना सारे, लेकिन इतने पैसे इनसे ले चुके। अब क्या जाती हो? अब क्या जाती हो? अब ये चाहते हैं
यही कह रहा है तो सारे का पंचनामा करो, बताओ मासूम बच्चों को मैं कटवाऊँ, इन्होंने तो हलाल कर दिया। मैं ये चाह रही हूँ जो मेरा पैसा लगा वो दे दें, इनको मैंने उधार कर्ज करके लगाया है, बस ये चाह रही हूँ। अलग बिल्कुल लेंगे हमारे पास, सब चीज़ का मिल रहेगा हमारे पास। आज भी ये कह रहा सुबह मेरठ को ले जाओ, सुबह खून इसको आएगा, सारे हॉस्पिटल से बात कर लो, वहाँ पर हैगा खून, आज ब्लड नाम से खून मांगा, आज भी चढ़ाया कल भी खून मांगा, खून के मारे साथ कल परसों भी हम फिरा, आज भी सुबह फिरे, आज भी बच्चे को जो आपने देखा कि मर गया बच्चा, तब आपको दिया बच्चा, मना कर रहे थे कि आज भी साथ चल रहे दिल्ली को ले जाओ, फिर मैंने दो दिनों को कुछ नहीं चला, हमारे बुलाया दो दिनों को मैंने, मैंने कहा देखिए भैया कुछ मेरा साथ तरफ को फोन को बाया, मुझे हमको नीला पड़ गया, इसकी सांस कब से नहीं चल रही थी, इसकी सांस तो मुझे कह रहा चल रही है, अभी यही कह रहा था चल रही है, मेरे बाकी सांसें चल रही नहीं चल रही, ये डॉक्टर लोग कह रहे थे कि सांस चल रही है, पर हमने नहीं दिया, बावन हजार का खप्पा पर्चा दिन का खराब है, मेरा पैसे ना दी तुमने, बावन हजार का पर्चा बना दिया, जवान पति भीख तक की मांगने का फर्मों में समझ लो, बावन हजार का पेमेंट कर दिया आपने क्या, नहीं कर रहा बच्चों को हाथ छोड़ने बोले से कहाँ के रहने वाले आप लोग, बीतल बस्ती मिलने भी नहीं दे रहा बच्चों को, देखने भी नहीं दे रहा, आपका नाम क्या है आपका, नीना नाम है मेरा, मैं इसकी फुफ्फो हूँ, रोज खाना देना रही थी अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के इसके खाते नहीं, आप क्या चाहेंगे आप, अब क्या चाह रहे हैं, चाहिए कि चार दिन का बच्चा बना हुआ है, उन्होंने पूरा रखा है इसके, हमें सब इंसाफ चाहिए सब तरफ से, सब तरफ से पैसे भी खाए, दो तकलीफ बच्चे ने झेली, बताओ पूरी ढाई सौ साल चल रही है, तीन दिन से मरा हुआ था, क्या मामला है, ये बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद जो अस्पताल में भर्ती हुआ था, तीन दिन के बाद से वहाँ से लेकर के आए, बच्चे के पैदाइशी सांस की खाने की नली जुड़ी हुई, तो सांस की खाने की नली जब जुड़ी होती है तो जाहिर सी बात है तो उसमें एक बड़ा ऑपरेशन होता है, और पहले से ही तीन दिन क्योंकि हो चुके थे बच्चे को, तो उसमें जो भी बच्चा उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, जाहिर सी बात है खाने की सांस की जुड़ी हुई है, तो जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे दूध पिलाएंगे तो या लाल बनती है अच्छे की मैं तो वो सब जो है सांस की नली से फिर हो जाए, जैसे ऑपरेशन निमोनिया जो बोलते हैं वो निमोनिया डेवलप हो जाता है, तो वो निमोनिया ऑपरेशन से पहले ही उसका डेवलप था, सारी रिस्क एक्सप्लेन करके सब कुछ हमने उसको वेंटी पे लिया, वेंटी पे लेने के बाद उसको ऑपरेट किया और ऑपरेशन के बाद भी वेंटी पे लिया। अच्छा तो ये पेशेंट कब से एडमिट था यहाँ पर, नहीं पेशेंट का 11 दिनों के बच्चे को एडमिट किया था, तीन दिन के बाद यहाँ लेकर के आए संजय को उसको ऑपरेट करना है। अच्छा जो पहले इसलिए क्योंकि तीन दिन पहले ही डिले कर चुके हैं, हमने उसको टाइम भी डिले बर्बाद ना करते हमने रात में उसको ऑपरेट किया, परिवार वालों का आरोप है कि बच्चे की स्किन वगैरह पूरी सफ़ेद हो चुकी है, इस बारे में क्या कहना, वो तो जाहिर सी बात है टाइम के साथ बदलता है, वो तो ये कह रहे हैं कि पाँच दिन पहले बच्चा हमारा मर चुका था, वो ये कह रहा है तीन दिन, क्या ये मुमकिन है कि पाँच दिन पहले जो बच्चा मर चुका हो और वो जो अब तक सब सही रहेगा, हमारे मैं भी और दूसरे डॉक्टर भी जो है उनको रात में भी देख रहे हैं, सुबह भी देखा है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस बच्चे की मॉनिटर में दिल की धड़कन है, नब्ज है, सब कुछ आ रही है, आईसीजी ईसीजी का उसका जो है लाइनिंग आ रही है, सब कुछ उसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि इस तरह से जैसे किसी को एग्जाम वगैरह तो सही परिवार की धड़कन किसी की तभी तो आएगी जब वो जिंदा होगा, जिंदा तभी तो आएगी जब वो जिंदा होगा, है मुमकिन है कि मतलब बिना उसके जो है जिंदा ना हो रहे उसकी सब कुछ चीज़ आती है, ये सारे जो मॉनिटर्स होते हैं जो वाइटल्स आते हैं, वाइटल्स की जब की धड़कन हो गई नब्ज हो गई कंट्रोल उसकी सिचुएशन।